बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड किचन। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाऊंगी चने वाला, वाइट चने वाला पुलाव देगी स्टाइल में। तो ये वाला एक कप चने है, तो एक कप ये वाला जो है चावलों का। चावलों को तकरीबन मैंने 30 मिनट पहले भगो के रख लिया है। बहुत ही लजीज और बहुत ही थोड़े घर में जो पड़े मसाले हैं देसी तरीके से बनाऊँगी, थोड़े ही इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें एक बड़े साइज़ का प्याज है जो मैंने कटिंग करके रख लिया है, 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसमें 1/2 चम्मच मैंने ज़ीरा और 1/2 चम्मच सूखा धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के दरदरा से कूट लिया, 1 टमाटर और कुछ सब्ज मिर्च है। ये अदरक जाहिर है क्योंकि अदरक हमने कूट लिया। तो 1 कप चने हैं, चने को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया, ये देखें, और पानी जो है वो मैंने ज़ाया नहीं किया, वो भी रख लिया। और जो ड्राई मसाले हैं उनमें 1/2 चम्मच जो 1/2 चम्मच है बिरयानी मसाला, 1.5 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च और थोड़ी सी मेथी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी देगी पुलाव, देगी वर्क चना पुलाव बनाने की रेसिपी। अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में भी फीडबैक देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जी व्यूअर, 1/2 कप ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज को मैं ब्राउन कलर करूँगी इसका अच्छे से, जैसे ही इसमें कलर आ जाएगा तो फिर हम अपने चने डालेंगे और बाकी मसाले भी डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने मेरे साथ बने रहना है और वीडियो फुल वॉच करनी। जी तो व्यूअर्स, प्याज सोते हो गया है, तो अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ। 2 चम्मच भर गए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ जो है वो देखिए पुलाव का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसमें जो कच्चेपन की खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। दरदरा सा मैंने कूटा था, अदरक लहसुन की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आने लगी है। फ्राई हो चुका है, तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है मुझे फ्राई करते हुए। तो अभी हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वो भी शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें जो पड़ी पड़ी उनका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन टेस्ट तो आएगा ना, बिल्कुल सादा और सिंपल तरीके से घर में जो चीज़ हो वो डाल के आप बना लें। ज़रूरी नहीं और मैं फैंसी ही मसाले डाले तो ही पुलाव मज़ेदार बनेगा। हाँ जी व्यूअर्स, अभी मैं चने शामिल कर दूँ। एक मिनट के लिए इनको भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। जी तो व्यूअर, अभी हम सारे अपने खुश्क मसाले डाल देंगे, जिसके लाइट और इनको भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं होता। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारे चने जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। हल्का हल्का पानी लगा के तो हम इसको रोस्ट
करेंगे अच्छे से। हाँ जी व्यूअर, देखिए माशाल्लाह ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से चने जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी जैसे पकना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम अपने चावल डालेंगे। बिस्किट डाल देंगे, ये वाला एक डब्बा चावल का है। तो चावल काफ़ी देर से तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए हैं भगो के रखे हुए, तो फिर मैं इसमें पानी थोड़ा कम डालूँगी, ये थोड़ा सा पानी और डालूँगी जी। तो फिर अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और इसको बॉयल आने के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए। फिर पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, ये देखें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसमें चावल शामिल करेंगे। मैं चावल में से सारा पानी मैंने निकाल लिया जी। तो व्यूअर देखें, अब बबल बनना स्टार्ट हो गया, पानी खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इनको दम पे लगा देंगे इस स्टेज पे, कि दम बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा धनिया डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट का हम इसको दम देंगे, तो चावल हमारे बहुत ज़बरदस्त यमी यमी रेडी हो जाएंगे जी। तो व्यूअर देखें, अब बबल बनना स्टार्ट हो गया, पानी खुश्क हो चुका। तो अभी हम इनको दम पे लगा देंगे इस स्टेज पे, कि दम बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा धनिया डाल के देखें, अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट का हम इसको दम देंगे, तो चावल हमारे बहुत ज़बरदस्त यमी यमी रेडी हो जाएंगे। चेक करते हैं अपना चना पुलाव, देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है और चावल बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो अभी हम चावलों को